हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त पैंक लेकर आ गया हूँ आपके लिए एक और नई कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल वीडियो। आज मैं दोस्तों आपको बताऊंगा कि कैसे आप कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल में अपने मूवमेंट को सुधार सकते हैं। सो विदाउट फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ पीकिंग के बारे में, और उसमें सबसे पहले आती है हमारे पास स्लाइड पीक। स्लाइड पीक के लिए दोस्तों आपको दबाना है दौड़ते दौड़ते क्राउच बटन, और साथ के साथ आपको स्कोपिंग भी करना है। दोस्तों अगर आपका गेम प्ले काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव है तो यकीनन आपको ये वाली पीक आनी चाहिए। दोस्तों अगली पीक है हमारे पास जंप पीक, जिसमें आपको जंप करते करते पीक लेनी है। तो इसमें हमें सिंपल जंप बटन दबाना है और उसके साथ साथ स्कोपिंग कर लेना है। लेकिन दोस्तों ये जरूर ध्यान में रखना कि इसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा कम होती है, लेकिन ये आपको कई बार बचा लेगी। इसे सिर्फ आप शॉर्ट रेंज में यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। दोस्तों अगली पीक हमारे पास आती है जिगल पीक, जो कि ज़्यादातर प्रोज यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कॉल ऑफ ड्यूटी में लेटेंसी की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, जिससे ये काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित नहीं हो रही है। दोस्तों अगली पीक हमारे पास स्लाइड एंड जंप पीक, जो कि मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, ये मेरी फेवरेट पीक है। इसमें आपको स्लाइड करना है और जंप भी साथ के साथ कर देनी है। अगर आप आईफर्स का गेम प्ले देखते हैं तो आपको यकीन पता होगा कि वो स्लाइड एंड जंप पीक यूज़ करता है। तो दोस्तों ये तो बात होगी कि आप पीक कैसे करें, अब मैं आपको बताऊंगा कि आप जब गन फाइट में हो तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ आप कर सकते हैं जंप शॉट, जिसमें आपको जंप बटन को स्पैम करना है और शूट करते रहना है। ये एक ज़्यादा अच्छा मेथड है नहीं, लेकिन शॉर्ट रेंज में काफ़ी ज़्यादा कारगर है। दोस्तों अगला मेथड हमारे पास आता है स्ट्रेफिंग, जिसमें आपको हिलना इधर उधर और शूट करते रहना है। बेसिकली इसमें हमें सामने वाले के एम को ट्रिक करना होता है, और दोस्तों मैं इसे काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता हूँ। अगला मेथड है दोस्तों हमारे पास ड्रॉप शॉट, जो कि आपको देखने को मिल ही जाता होगा, काफ़ी ज़्यादा लोग ड्रॉप शॉट यूज़ करते हैं। ड्रॉप शॉट करने के लिए आपको होल्ड करके रखना है क्राउच बटन। दोस्तों ये थे मेथड जो कि आपको गन फाइट में ध्यान रखने हैं। अब आपको करना क्या है, इन सब मेथड्स को मिक्स कर देना है, यानी कि गेम खेलते हुए आपको कभी जिगल पिक करना है, कभी आपको स्लाइड पिक करनी है, कभी आपको स्लाइड जंप पिक करनी है। सो इन सब को प्रैक्टिस करने के लिए आप जा सकते हैं डोमिनेशन न्यूकटाउन में, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी बसेज हैं, और या फिर आपका अगर मन हो तो आप जा सकते हैं केज मैप में, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी जगह हैं जहाँ आपको बार बार पिक लेनी पड़ेगी, तो प्रैक्टिस के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो दोस्तों ये थी मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि मैं यूज़ करता हूँ गेम प्ले में अपने। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो यार लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और कुछ प्यार दिखाओ। दोस्तों मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।